सोलन का कोटला नाला कई वार्डों का केंद्र बिंदु है, इसलिए यहाँ चहुमुखी विकास होना चाहिए था। लेकिन अफसोस की बात है कि यहाँ भी समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। इन समस्याओं को प्रत्येक चुनावों में हल करने का वायदा किया जाता है, लेकिन ये वायदे काफी समय से खोखले ही नजर आ रहे हैं। कोटला नाला क्षेत्रवासियों का कहना है कि वे सभी लंबे समय से विकास की बात जो रहे हैं, लेकिन यहाँ का विकास हो पाएगा या नहीं ये कोई नहीं जानता। उन्होंने कहा कि पानी, बिजली, सड़क, शौचालय से जुड़ी सभी समस्याएं इस बाढ़ में है। कोटला नाला वासियों ने रोष प्रकट करते हुए कहा कि सोलन के कोटला नाला में नालियों का रखरखाव ठीक नहीं है। बरसात में नालियां अक्सर बंद हो जाती हैं, जिसके चलते लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ती है। कोटला नाला में शौचालय क्षेत्रवासियों के सहयोग से बनाया गया था, लेकिन नगर परिषद ने यहां कोई स्थायी सफाई कर्मचारी तक नहीं दिया है, जिसकी वजह से शौचालय की दशा बेहद दयनीय बनी हुई है। उन्होंने नगर निगम की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि कोटला नाला में लाखों रुपए खर्च कर स्वच्छ पानी की मशीनें लगाई गई थी, लेकिन वे कुछ दिनों ही चल पाई है, अब वे बंद पड़ गई है, जिसे देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उन्हें टैक्स का केवल दुरुपयोग किया जा रहा है। देखिए, नगर परिषद ने कुछ काम तो किए हैं, जैसे ड्रेनेज का काम है। एक साइड की ड्रेनेज में तो पूरी जो दुकानों की साइड है उसमें तो जाली लगी हुई है, लेकिन वो प्रॉपर साफ नहीं होती हैं। और जो दूसरी साइड की ड्रेनेज है वो उसमें कोई जाली नहीं है। उसमें जब भी क्या होता है कि बारिश होती है और पानी आता है तो पानी बहता है बाहर की तरफ और काफ़ी उसमें मिट्टी और गाद आ जाती है। उसमें फिर बार बार इनको सफाई करनी पड़ती है। तो हम चाहते हैं कि उसमें भी ड्रेनेज के ऊपर कवरिंग हो ताकि कोई गिरे ना। एक क्या है कि जब हम ये अपना जेबीटी की तरफ जाते हैं तो यहाँ एक सड़क में जो बीच में अपना नाली है उसके ऊपर जो इन्होंने कवरेज की हुई है, लेकिन उसमें एक गैप है जिसमें अक्सर लोगों के पाँव फंस जाते हैं और कुछ बच्चे गिर भी जाते हैं। छोटे बच्चे क्रॉस करते हैं तो उनके पाँव चल जाते हैं उसमें गलती से। जहाँ तक टॉयलेट का सवाल है तो टॉयलेट, जबकि वहाँ पे जो जमादार हैं उनको यहाँ के दुकानदार ही पैसे देते हैं, कोटला नाला के दुकानदार पैसे देते हैं जिससे उनका रोजी रोटी चलता है, लेकिन वहाँ साफ सफाई नहीं रहती। हमने कई बार नगर परिषद में बोला भी है कि आप इसकी प्रॉपर सफाई करवाओ यहाँ, या यहाँ पे कोई जमादार अपॉइंट करो दूसरे ताकि वो सफाई रख सकें, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। सील के पास जो आरओ का पानी लगा हुआ है उसका कोई यूटिलाइज नहीं है, ना उसमें पानी होता है ना कोई भरता है वहाँ से। नगर निगम के 3 साल के कार्यकाल की अगर हम बात करें, ओवरऑल आप इसे कैसे देखते हैं, कितना आप 10 में से कितने नंबर देंगे? इसमें हम आपको क्या बोल सकते हैं कि कितने नंबर देंगे? ठीक है, 10 में से 6 नंबर दे सकते हैं। और जो 50% से ज्यादा काम हुआ, वो कुछ काम कमियां जो नहीं है वो हो सकी पूरी। सबसे बड़ी समस्या तो कोटला नाला की टॉयलेट है जी, जो यहाँ के टॉयलेट है बहुत ही गंदे हैं और सफाई का कुछ भी ध्यान नहीं किया जाता, और बल्कि ये कमेटी के थ्रू भी नहीं बनाया गया टॉयलेट जो बनाया गया है। ये यहाँ के ही कुछ लोगों ने पैसा इकट्ठा करके बनाया था, और कमेटी को कम से कम यहाँ पर एक बंदा देना चाहिए जो सफाई का विशेष ध्यान रखे। बाकी एक समस्या कूड़े की है कि कूड़े वाले 4 दिन या 5 दिन छोड़ के आते हैं और वो भी हमें ड्रम उठा के देने पड़ते हैं, क्योंकि हम 350-400 रुपये यहाँ से कॉस्ट ले रहे हैं एक शॉप से या ढाबा या रेस्टोरेंट जिससे भी लेते हैं, और तब भी उनके पीछे पीछे कूड़ा लेके भागना पड़ता है। अगर हम नंबर की बात करें, कितने 10 में से कितने नंबर देंगे नगर परिषद को? 5। और जो आपने 5 काटे हैं वो किस लिए काटे हैं? 5 काटे हैं, तो ये मेन मुद्दा टॉयलेट का है। यहाँ पे रेन शटर के साथ टॉयलेट है, बट स्मेल ऐसी आ रही होती है कि रेन शटर पे भी आदमी ना बैठ पाए। देखिए, सबसे पहले कोटला नाला का ये क्षेत्र जो है ये हर वार्ड का मिला हुआ एक कॉर्नर, हर वार्ड का कॉर्नर लेकिन अपने आप में सेंटर पॉइंट हो गया है। बात करें सामने तो वार्ड नंबर 7 जहाँ मैं खड़ा हूँ, वार्ड नंबर 10, मेरे दाईं ओर वार्ड नंबर 9, मेरे बाईं ओर वार्ड नंबर 11 और 11 के सामने वार्ड नंबर 16। तो शायद ये पर्टिकुलर कोटला नाला क्षेत्र जो है इस पे बारीकियों की तरफ ध्यान कभी नहीं दिया जाता। सामने मेरे सड़क के सामने ड्रेनेज जो बनी हुई है, बार बार कहने के बावजूद भी सफाई जो है वो बहुत मुश्किल होती है जब तक कि हम लोग खुद मतलब इनिशिएट नहीं लेते। कारण वही,
कि एकदम बाउंड्री पे होने की वजह से हमारे काउंसलर जो अभी तक रहे हैं शायद वो इस तरफ ध्यान नहीं देते। आप सामने देखें तो यहाँ एक म्यूनसिपल कमेटी ने आरओ लगाए थे जो मेरे ख्याल से हफ्ता महीना वर्किंग में रहे होंगे, उसके बाद से शटर बंद पड़ा है और जगह ऑक्यूपाई कर रखी है। इसमें कहीं ना कहीं हमारे टैक्स से गए पैसों का भी जो है वो मिसयूज़ हुआ है। हमारे यहाँ सामने एक अभी बहुत विशाल पेड़ हुआ करता था, वो आधा गिरने के बाद उस समय के प्रशासन ने बाकी कटिंग करवाई उसकी। लेकिन अगर आप थोड़ा सा सामने देखें तो ये तहसील एरिया में पेड़ अपनी जड़ें जो हैं वो तक खो चुके हैं, किसी भी समय गिर सकता है। ये ऐसी छोटी छोटी सी बारीकियां जो हैं इनकी और अपने आप ही स्वतः ही ध्यान जाना चाहिए, लेकिन जब तक कोई बड़ा हादसा नहीं होता इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता।